हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एच। तो एक स्टोन है जिसको मैंने कितनी हाइट से ड्रॉप किया है, फ्रॉम हाइट एच। तो एक एच हाइट से मैंने क्या करा है, एक स्टोन को ड्रॉप किया है। अनदर स्टोन इज थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द ग्राउंड। एक दूसरा स्टोन है जिसको हम लोग साइमल्टेनियसली अबव द सरफेस थ्रो कर रहे हैं, विच रीचेज अ हाइट 4 मीटर 4 इंच। द टू स्टोन्स विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर टाइम। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो दोनों स्टोन है वो कब क्रॉस करेंगे, तो हमें वो वाला टाइम बताने। तो सबसे पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन का सिनेरियो समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बच्चों हमें क्या लिखा हुआ है कि एक स्टोन है जिसको हमने कितनी हाइट से थ्रो किया, एच हाइट से। तो सबसे पहले एच हाइट से एक स्टोन को क्या करा है, ड्रॉप किया है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करा है, एक स्टोन है जिसको मैंने एक बिल्डिंग मानो, तो बिल्डिंग हमें दे रखी है, उसकी हाइट कितनी है, एच के बराबर। तो एक बिल्डिंग दे रखी है बच्चों और वहां पे एच हाइट की बिल्डिंग है, वहां पर हमने एक स्टोन को क्या करा है, ड्रॉप किया है। अब एक स्टोन को जो है वो ड्रॉप किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो सेकेंड वाला स्टोन है, अनादर स्टोन है जो उसको हम लोग कितनी कहां से थ्रो कर रहे हैं, फ्रॉम द ग्राउंड, और वो कितनी हाइट तक जाता है, 4 इंच तक। तो इसका मतलब है जो सेकेंड स्टोन है उसको कितनी हाइट से थ्रो कर रहे हैं, दिस हाइट इज गिवन 4 इंच, और यहाँ पर हम एक स्टोन को क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एच हाइट में एक स्टोन है, एक एच हाइट की बिल्डिंग है, वहां पर एक स्टोन को ड्रॉप कराया, यहाँ पर एक 4 इंच हाइट की दूसरी बिल्डिंग है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, और वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाता है, वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा रहा है, 4 इंच तक। तो यहाँ पर एक एच हाइट से हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया और यहाँ पर एक 4 इंच हाइट से हमने एक स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। मान लो कि उसकी स्पीड कितनी है, यू के बराबर। तो यू उसकी स्पीड है और स्टोन को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, और वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, वो मैक्सिमम हाइट कितने तक जा सकता है, 4 इंच तक। तो इसका मतलब है ये वाली वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो वो जो सेकेंड वाला स्टोन है वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, 4 इंच तक। तो अब अगर हम बात करें तो यहां पर हम ये इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी। सबसे पहले जब यहां पर एक स्टोन को थ्रो किया, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू के बराबर, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, 4 इंच तक मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर ये जब हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, तो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर मैंने एक स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, 0 मीटर पर सेकेंड उसकी मैक्स। क्योंकि जब हम स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, तो बच्चा जब हम स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो यहां पर उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो धीरे धीरे जब वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां पर जब उसकी स्पीड मैक्सिमम हाइट पर 0 है, इनिशियल स्पीड कितनी है, यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस जी, मैक्सिमम हाइट कितने तक जा रहा है, वो 4 इंच तक। तो मैक्सिमम हाइट 4 इंच तक जा रहा है, तो यहां पर हम यू स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, 4 2 8 gh के बराबर। तो इसका मतलब है बच्चों हमें ये पता चल गया कि वो उसकी कितनी, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू, इसका रूट लेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 2√2gh। तो इसका मतलब है हमने इस ऑब्जेक्ट को कितने इनिशियल स्पीड से थ्रो किया है, 2√2gh की स्पीड से। अब मतलब यहां पर हम बता सकते हैं कि हमने कितनी उसकी स्पीड से थ्रो किया है,
रूट एक जीएच की स्पीड से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, तब जाके उसकी मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब अगर हम बात करें बच्चों, मान लो ये कहां पर ऑब्जेक्ट टकराते हैं, आफ्टर टाइम टी। तो जब मैंने यहां पर एच हाइट से हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, तो मान लो वो टी टाइम के बाद यहां पर आता है, और यहां टी टाइम के बाद वो कुछ यहां पर डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, और यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये, इसको जब मैंने थ्रो किया तो वो कुछ टी टाइम पर यहां तक आ गया। तो सबसे पहले अब हमें वो वाला टाइम बताना है जब ये दोनों जो स्टोन्स हैं, इसको मैंने एच हाइट से ड्रॉप किया है और इसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, हमें वो वाला टाइम बताना है जब ये दोनों स्टोन्स क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मान लो ये वाला जो फर्स्ट स्टोन है वो कितने टाइम के बाद इधर ड्रॉप आ गया होगा, टी टाइम पर, तो इसका मतलब है हम ये बता सकते हैं कि वो कितने टाइम टी के बाद उसकी पोजीशन क्या रहेगी। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो टी टाइम के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या करा है, ड्रॉप करा है, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा है तो टी टाइम के बाद मान लो उसने यहां तक आ गया होगा, और मान लो कि जितना उसने, जब हमने ये ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ड्रॉप किया, मान लो टी टाइम के बाद यहां पर आ गया, और मान लो कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, एक्स के बराबर। तो एक्स हमने क्या मान लिया, डिस्टेंस मान लिया कि वो उसने फर्स्ट वाला स्टोन है उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, एक्स के बराबर। तो वो डिस्टेंस हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो उसने डिस्टेंस कितने टाइम में कैलकुलेट करा होगा, टी टाइम में। तो मान लो ये जो फर्स्ट स्टोन को ड्रॉप किया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स डिस्टेंस, और वो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसने कितने टाइम में किया है, टी टाइम में। तो यहां पर लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स, इनिशियल स्पीड जीरो है, हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहां से बच्चों एक्स की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमें एक्सेलरेशन, ये एक्स की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब है उसने टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। अब अगर बच्चों बात करें हम सेकेंड केस की, तो सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं, अब सेकेंड पर आ जाते हैं। ये वाला जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है, ये जो सेकेंड स्टोन है बच्चों, उसको मैंने इनिशियल स्पीड रूट एट जी एच से थ्रो किया है, और वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाता है, 4h तक। अब मान लो टी टाइम पर यहाँ पर मिल रहे होंगे, तो ये वाला हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा, इफ दिस बिल्डिंग हैज हाइट 4h, तो ये कितना आ जाएगा, 4h माइनस एक्स। तो 4h माइनस एक्स जो है वो सेकेंड वाले स्टोन ने डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, और वो हम कितना, अब इक्वेशन में क्या लिखेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 4h। यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये वाला डिस्टेंस एक्स हाइट पर नीचे आया है, तो सेकेंड वाला जो स्टोन है, सेकेंड वाले स्टोन ने कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया होगा, h माइनस एक्स के बराबर, क्योंकि ये वाली ओवरऑल हाइट कितनी है, h के बराबर। ये एक्स डिस्टेंस नीचे आया, ये जो सेकेंड वाला स्टोन है उसने कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया होगा, h माइनस एक्स के बराबर। तो ये सेकेंड वाला स्टोन है उसने कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया होगा, h माइनस एक्स। तो h माइनस एक्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रूट एट जी एच इंटू टाइम टी प्लस हाफ। जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो बच्चों वो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो कितना लिख सकते हैं, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर।
अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां से हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू रूट एट जी एच इंटू टाइम टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब बच्चों अगर हम बात करें तो हाफ जी टी स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये दोनों साइड जब कैंसिल हो गए, अब एच इक्वल टू कितना आ गया, रूट एट जी एच इंटू टाइम टी। तो एच इक्वल टू कितना आ गया है, रूट एट जी एच इंटू टाइम टी के बराबर। तो एच इक्वल टू रूट एट जी एच इंटू टाइम टी, तो यहां से हमारा टाइम आ जाएगा विच इज इक्वल टू एच अपॉन रूट एट जी एच। अब बच्चों हम ये टाइम, अब यहां पर ये एच अपॉन रूट एट जी एच है, तो ये कितना लिख सकते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू, यहां पर एच है ये रूट एच है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, रूट एच बाय एट जी। क्योंकि रूट एच का होल स्क्वायर कितना होता है, वो कितना होता है बच्चों, एच के बराबर। तो रूट एच का स्क्वायर एच के बराबर रहता है, तो यहाँ पर ये एच है ये रूट जी एट जी एच है, तो रूट एट जी एच है, तो यहाँ पर हम रूट एच का स्क्वायर लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू रूट एच अपॉन एट जी। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। तो आंसर कितना आ जाएगा कि कितने टाइम के बाद ये दोनों स्टोन टकरा रहे होंगे, रूट एच अपॉन एट जी के बाद। आई होप सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों में एक बार और रिकॉल कर देते हैं कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करा। सबसे पहले हमें फर्स्ट बिल्डिंग गिवन है कितनी हाइट है एच के बराबर, सेकेंड बिल्डिंग कितनी है फोर एच के बराबर। यहाँ पर स्टोन को ड्रॉप किया, तो मान लो कि वो टी टाइम के बाद इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, और यहाँ पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, एक्स के बराबर। सेकेंड स्टोन को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, कितनी इसकी स्पीड है, रूट एट जी एच। तो मान लो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, एच माइनस एक्स। तो ये पूरी बिल्डिंग फर्स्ट बिल्डिंग एच हाइट की है, तो जो सेकेंड वाला स्टोन है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, एच माइनस एक्स के बराबर। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर अप्लाई किया, तो वहां से हमें फर्स्ट बिल्डिंग का पता, फर्स्ट स्टोन का पता चल गया कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सिमिलरली उतने ही टाइम में हम सेकेंड स्टोन का बता देंगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहां से फिर जब हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व करी तो हमारा टाइम आ गया कि आखिर ये जो दोनों स्टोन है ये कितने टाइम के बाद टकरा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स।